मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी समूह के लोग हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह के गृह के करीब धुरवानिया ग्राम पंचायत में बैगा जनजाति समूह आज भी सुविधाओं से दूर जीवन जीने को मजबूर है। वहीं बैगा जनजाति समूह की महिलाओं ने भी दूषित पानी पीने के साथ तमाम मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बारे में अपनी बात बताई। वहीं क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार नूर मोहम्मद ने इस मामले पर कहा कि शासन प्रशासन द्वारा बैगा जनजाति समूह के लिए जो करोड़ों रुपए का फंड दिया जाता है, उसका गोलमाल कहाँ हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि जिंगवानी मूलभूत सुविधाओं से तो बिल्कुल वंचित ही है। ले दे के अभी मान लीजिए जो आज़ादी के बाद इस साल इनको लाइट का जो है मिला है इनको सुविधा, इसके अलावा ना तो पानी ना तो सड़क। मतलब देखा जाए तो जैसे जंगल में रहने वाले लोग रहते हैं ना, सेम जंगल, गांव है ही नहीं यहाँ। चारों तरफ से नदी, इधर से रेल, सब तरफ से इस घेराए हुए हैं। कहीं से कोई सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं है। लोग गंदा पानी लाते हैं, गंदा पानी को रखते हैं घर में। जब पानी का जो गंदा मैला बैठ जाता है तो ऊपर का पीते हैं। ऐसा इन जिंदगी जीने के लिए लोग मजबूर हैं। मैं आज खुश हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे विजिट किए, आप लोग कंबल उम्बल वितरण किए, क्योंकि इनको सख्त ज़रूरत है। आप लोग चाहते तो गाँव के लोगों को भी दे सकते थे, वो लोग मना भी नहीं करते, लेकिन आप लोग ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कंबल दिए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जो भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आप लोगों के माध्यम से इन चीजों को उठाइए ताकि इनको मिल सके। हमारे गांव में समस्या है, अब रोड, बिजली, बिजली तो आ गई, रोड, अब पानी। पानी अभी कहाँ से पिया था? पानी नदिया से पिया था, है ना। हाँ। पानी की समस्या है, अभी पानी की समस्या है। हैंड पंप है गांव में? नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कब से समस्या? चलिए ठीक, का समस्या है, का समस्या है। अब बिजली तो कहां तक आए गए, अब रोड और पानी की साधन कर दिया। तो गांव वाले पानी कहां से पिए? नदिया से, गड्ढा तोड़ के डूम के लाए के दिया था। का नाम है? फूलपति। करीब एक साल पहले हमारे पत्रकार संघ के साथी आए हुए थे, पूरा सर्वे करके गए थे। उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, बैगा परिवार है पूरा, करीब 15-16 घर है बैगाओं का, और यहाँ पे ना सड़क है ना पानी की कोई व्यवस्था है। अभी तक का कोई हैंडपम्प भी नहीं है यहाँ पे, ये नदी के पानी को पीते हैं, और बरसात में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है, जब गंदा पानी रहता है नदी का तो काफ़ी है। तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए हम पत्रकारों ने यहाँ पे सोचा कि ठंड के मौसम में गरीब लोग हैं, इनको कम विशेष किया जाए, कम से कम ठंड से बचें और इनकी जान बचे।